नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम खबर के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। और आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं, पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर अब नए और भव्य रूप में। विगत 40 वर्षों से ग्राहकों का प्यार और विश्वास। बाबा टेक्सटाइल आपके लुक को बनाए आकर्षक और स्टाइलिश। 100 वर्ष पुरानी काजीमली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद ग्रेनाइट मार्बल उपलब्ध है, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमली हार्डवेयर। हड्डी जोड़ों व न संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित। यूपी के तर्ज पर गिरिडीह में भी हत्या के आरोपी के ठिकाने पर चला बुलडोजर। परात डी में मोहम्मद रऊफ की हत्या के आरोपी के दुकान को किया गया ध्वस्त। एसडीपीओ के नेतृत्व में की गई कार्यवाही। दुर्गा पूजा पर व्यवस्था और विधि व्यवस्था का जायजा लेने के लिए निकले डीसीएसपी। विभिन्न पूजा पंडालों का किया निरीक्षण, संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। विवाह भवन में जोहार परियोजना के तहत की गई वार्षिक आम सभा, उपायुक्त समेत अन्य अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने किया उद्घाटन। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर हुई गंभीर चर्चा। सीहोडी के आम बगान के पास टोटो पलटने से छात्रा हुई घायल। जर्जर सड़क पर टोटो हुआ दुर्घटनाग्रस्त। स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण कराने की लगाई गुहार। और रजनीकांत धोसा सेंटर में आयोजित हुआ शानदार डांडिया नाइट, उत्साह से भरा रहा माहौल। वहीं कई अन्य स्थानों पर भी नवरात्र को लेकर डांडिया कार्यक्रम हुए आयोजित। महिलाओं और युवतियों ने जमकर उठाया कार्यक्रम का लुत्फ। और अब खबरें विस्तार से। हत्या के आरोपी बोबिंग के पराजी स्थित दुकान में गुरुवार को पुलिस ने बुलडोजर चलाकर दुकान को ध्वस्त कर दिया। असल में डेकोरेशन मजदूर रऊफ की हत्या की घटना के अगले दिन गुरुवार को पुलिस ने रऊफ हत्याकांड में शामिल आरोपी मोबिन अंसारी उर्फ राजा बाबू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी दुकान पर बुलडोजर चलाया और दुकान को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया। सदर एसडीपीओ अनिल सिंह के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के दौरान मुफस्सिल थाना की पुलिस भी मौजूद रही। पुलिस ने साथी अपराधी मोबिन अंसारी उर्फ राजा बाबू को परारजी गांव के दुकान पहुंची, जहां एक साथ दो जेसीबी लगाकर उसके दुकान को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया। इस बाबत सदर एसडीपीओ अनिल सिंह ने कहा कि मोबिन अंसारी उर्फ राजा बाबू एक साथी अपराधी है और इस पूरे इलाके में अपना भय पैदा किए हुए था। बुधवार को राजा बाबू ने अपने कुछ साथियों के साथ एक डेकोरेशन मजदूर को रंगदारी नहीं मिलने के कारण पीटा था। बाद में डेकोरेशन मजदूर रऊफ की इलाज के दौरान मौत हो गई। इससे पहले भी अपराधी मोबिन अंसारी के खिलाफ लूट के कई केस दर्ज हैं। रऊफ ने परारजी गांव में सीसीएल की जमीन पर अवैध तरीके से दुकान का निर्माण कर रखा था, लिहाजा इसके खिलाफ सीसीएल के अधिकारियों ने कार्रवाई के लिए कई बार पुलिस को लिखित आवेदन दिया था। कि हम लोग अभी मुफस्सिल थाना अंतर्गत प्रापदी में हैं और यहाँ मोबिन अंसारी उर्फ राजा बाबू के द्वारा, जो कि पूर्व में रंगदारी और मारपीट के केस में जेल जा चुका है, वो इस क्षेत्र में एक तरह से दहशत फैलाए हुए था। लोगों को डराना, धमकाना, गलत काम करवाना, कुछ असामाजिक तत्वों को बाहर से भी बुलाना और यहाँ लोगों को कोयला चोरी, सभी इस तरह के चोरी के कांडों में संलिप्त रहता था। उसके द्वारा मोहम्मद रऊफ अंसारी, जो कि एक सीधा साधा व्यक्ति था, उसको मारपीट किया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उस संबंध में हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज किया, वह चूंकि मौके से फरार हो गया, उसकी गिरफ्तारी है तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और उसके द्वारा सीसीएल का जो जमीन है उस पर अवैध तरीके से कब्जा करके वो बिल्डिंग खड़ा कर दुकान बनाया था,
सीसीएल के पदाधिकारी और सुरक्षा कर्मियों द्वारा उसको बार बार मना किया जा रहा था, लेकिन वह मान नहीं रहा था, उनको भी धमकी दे रहा था। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर और कार्रवाई की गई है, उनके दुकान को तोड़ दिया गया है और उसकी गिरफ्तारी है। तो हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं और जल्द ही हम आदमी गिरफ्तार होगा। चालीस वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नव निर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोर्ट रोड, गिरिडीह। अगर आप ग्रेजुएट हैं, इंग्लिश लिटरेचर पर आपकी पकड़ मजबूत है और लिखने के शौकीन हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। जी हाँ, एक इंग्लिश कंटेंट राइटर की आवश्यकता है। आप अपने घर से काम कर सकते हैं, यानी कि वर्क फ्रॉम होम की सुविधा है। अगर आप इंग्लिश कंटेंट राइटर बनने के इच्छुक हैं, तो ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कॉल करें या अपने बायोडाटा को व्हाट्सएप करें। खूबसूरत घर का सपना हो तो एक बार जय माता दी मार्बल अवश्य पधारें। जी हाँ, बरवाड़ी पुराना पुलिस लाइन के निकट स्थित जय माता दी मार्बल में हर प्रकार के टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी, बाथ फिटिंग वगैरह उपलब्ध है। भारत के प्रसिद्ध ब्रांड सेरा, स्पेंजा, इटानो, वॉल्वी, टेक्सारो के अधिकृत विक्रेता जय माता दी मार्बल में वेट्रीफाइड टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स, वॉल डेकोर टाइल्स, प्लेटिनम टाइल्स, किचन वॉल टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, हेवी ड्यूटी पार्किंग टाइल्स, बाथरूम फिटिंग, सिंक मिक्सर, शावर वॉल मिक्सर, बेसिन मिक्सर, वॉल मिक्सर, वुड बेसिन, किचन सिंक, सूट कम्बोर्ड, पेडिस्टल बेसिन, टेबल बेसिन, शावर, हैंगर, नल के अलावा राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, कटनी मार्बल, इटालियन मार्बल, फ्लोरिंग मार्बल, संगमरमर का मंदिर, तुलसी पिंडा वगैरह उपलब्ध है। तो पता नोट कर लें, पुराना पुलिस लाइन मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। गिरिडीह की 100 साल पुरानी काजम अली हार्डवेयर में आपका स्वागत है। बरवाडी के करबला मैदान के सामने स्थित इस हार्डवेयर शॉप में सोमानी टाइल्स, जगवार, हिंदवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीलरशिप मौजूद है। यहाँ राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के अलावा हर प्रकार के मार्बल और ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहाँ डिजिटल टाइल्स, अल्ट्रा चार्ज, वीसी वेट्रीफाइड, स्टेप टाइल्स, स्टेप रेजर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स अनेक रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध। इसके अलावा बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, स्पा बाथ टब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जैकुजी, बाथ इनक्लोजर जैसे जगुआर के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद और बहुत ही खास झूमर लाइट उपलब्ध। हिंदवेयर के किचन चिमनी जैसे स्टोव, किचन सिंक का फुल रेंज उपलब्ध। साथ ही सिंटेक्स का एंटी बैक्टेरियल वाटर टैंक, एस्टेल पीवीसी पाइप, साथ ही विभिन्न कंपनियों के कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन, आधुनिक कमबोर्ड और टाइल्स भी उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, जब एक ही छत के नीचे हार्डवेयर संबंधित सभी उत्पाद उपलब्ध है। हमारा पता काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, टुंडी रोड, गिरिडीह। दुर्गा पूजा पर विधि व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था संधारण को लेकर गुरुवार को डीसीएसपी ने बरमसिया समेत विभिन्न पूजा पंडालों का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा और पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। इस दौरान सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति, पपड़वाटार, बनियाडी, छोटकी काली मंडा, बरमसिया के विभिन्न दुर्गा पूजा मंडपों व अन्य पंडालों का निरीक्षण किया। इसके अलावा उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक के द्वारा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी पुलिस बलों को निर्देशित किया गया कि पूजा समितियों के साथ बैठक कर राज्य सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों की जानकारी संबंधित पूजा पंडाल के पूजा आयोजन समिति के सदस्यों एवं अन्य को देंगे तथा उसका अनुपालन कराना भी सुनिश्चित करेंगे। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक ने पूजा समिति के प्रबंधकों एवं सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि हर्षोल्लास एवं शांतिपूर्ण माहौल में दुर्गा पूजा त्यौहार मनाएं, साथ ही दुर्गा पूजा के दौरान प्रावधानों के अनुरूप ही लाउडस्पीकर व डीजे का उपयोग करें।
झंडा मैदान स्थित विवाह भवन में गुरुवार को जुहार परियोजना के तहत गिरिधन महिला प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की आम सभा की गई। यहां इस गिरिडीह व धनुवाद की तृतीय वार्षिक आम सभा का विधिवत उद्घाटन उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा, प्रशिक्षु IAS, जिला परिषद अध्यक्ष मीना देवी, उप विकास आयुक्त शशि भूषण मेहरा, निदेशक DRDA आलोक कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रश्मि सिन्हा, जिला कृषि पदाधिकारी सुरेंद्र सिंह, रीजनल प्रबंधक SBI, LDM व अन्य पदाधिकारियों के द्वारा सेक्टरों से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान DC श्री लकड़ा ने GSLP के द्वारा किए जा रहे कार्यों और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के कार्य की प्रशंसा की। उपायुक्त ने कहा कि आज की महिलाएं हर क्षेत्र में विशाल कायम कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण महिलाएं भी अब सशक्त और जागृत होकर स्वरोजगार की ओर रुख कर रही है। DC ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अपने कार्यों में और विविधता लाने के बारे में कहा ताकि वह स्वरोजगार की तरफ अग्रसर हो और स्वावलंबी बने। DC ने कहा कि एक सामूहिक प्रयास से महिलाओं को ध्यान निश्चित रूप से किया जा सकेगा। ऐसे कार्यक्रमों से महिलाओं का मनोबल बढ़ता है। GSLPS की DPM ने बताया कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, फेनाइल हैंड वॉश, नैपकिन प्रोडक्ट्स में गिरिडीह जिला अग्रणी है। जुहार परियोजना के अंतर्गत आज से 3 वर्ष पूर्व 7 अगस्त 2019 को गिरिधन महिला प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का गठन हुआ था। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के सामूहिक प्रयास से 3 साल में गिरिधन महिला प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का टर्नओवर 7 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि इस कंपनी के स्थापित होने से महिलाओं का कार्य काफी सराहनीय रहा है और आगे भी बेहतर होगा। प्लास मार्ट के माध्यम से जिले में चावल, दाल, आटा, सरसों तेल व अन्य वस्तु की बिक्री की जा रही है। बताया गया कि 6000 से अधिक महिलाएं अब तक इसके सदस्य है। PS के तहत में बहुत सारे SHGs बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लगभग 18000 से ज़्यादा SHGs गिरिडीह जिला में है। कुछ BLs हैं और CLF है। उसके साथ में लगभग 200 से ज़्यादा प्रोड्यूसर ग्रुप है। उसी के तहत में एक प्रोड्यूसर ग्रुप गिरिधन प्रोड्यूसर ग्रुप है, जिसका कि एनुअल जनरल मीटिंग में आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मुख्य तौर पे इनके द्वारा अपना जो पिछले वर्ष का जो क्रियाकलाप है और उससे संबंधित उनके जो ऑडिट रिलेटेड अकाउंट्स हैं उनके संबंध में चर्चा किया गया, और साथ ही इनके द्वारा जो भी उद्यमिता किया जा रहा है, चाहे वो कृषि में है, पशुपालन में, मत्स्य में है, चाहे अन्य कौशल विकास संबंधी है, उसके संबंध में आज इनके द्वारा चर्चा की गई। आज जिले के तमाम पदाधिकारियों के साथ कृषि, GSLPS, NABARD, SBI, बैंक ऑफ इंडिया, LDM के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे। आज यहाँ पे हम लोग शिरकत करने के बाद में DLCC की जो हमारी बैठक रहती है उसमें हम लोग इसके संबंध में चर्चा करेंगे कि वित्तीय समावेशन में हम लोग कैसे SHGs को या BOs को और इस तरह के जो प्रोड्यूसर ग्रुप में हमको मदद कर सकें ताकि ये लोग अपनी उद्यमिता का दायरा को और बढ़ा सकें। तो ये हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छा एक उत्साहजनक काम ये बात है कि हमारे यहाँ पे SHG जो है वो सशक्त हो रही है, और हम लोग ये चाहेंगे कि उनको हम लोग कैसे क्रेडिट लिंकेज देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मदद। गिरिडीह कॉलेज से सीओडी होते हुए बरकंडा तक मुख्य पथ पूरी तरह से जर्जर हो गया है, जिसके कारण गुरुवार की देर शाम आम बगान के पास रिक्शा पलट जाने के कारण सीओडी निवासी धर्मवीर कुमार की पुत्री सानिया कुमारी बुरी तरह से घायल हो गई। बताया गया कि गड्ढे के कारण ये रिक्शा पलट गया और उसमें सवार सानिया गिर गई, जिसके कारण उनका पैर फ्रैक्चर हो गया, वहीं चालक भी घायल हो गया। बताया गया कि युवती सानिया ट्यूशन पढ़कर अपने घर वापस लौट रही थी। सड़क में काफी बड़े बड़े गड्ढे हो जाने के कारण ई रिक्शा पलट गया और युवती घायल हो गई। आनंद फानंद में आसपास के लोगों ने युवती को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी क्लिनिक ले गए, जिसके बाद उनके परिजनों की जानकारी दी गई। मालूम हो कि उत्तरी पुराना पुल जर्जर हो जाने के कारण तोड़ दिया गया है, जिसके कारण अब बड़ी से छोटी गाड़ियां सभी मुख्य मार्ग होने के कारण इसी रास्ते से गुजरती है। इसके बावजूद भी प्रशासन और विभाग सड़कों की सुध नहीं ले रहे हैं। नतीजा यह होगा कि आए दिन दुर्घटना काफी बढ़ गया है। नेशनल हाईवे का मुख्य मार्ग होने के कारण प्रत्येक दिन कई गाड़ियां इस मार्ग से गुजरती है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाने के कारण बारिश के कारण गड्ढे पूरी तरह से भर जाते हैं, जिसके कारण चालक को गड्ढे का अंदाजा नहीं रहता है और बड़ा हादसा गठित हो जाता है।
गिरिडीह कॉलेज जाने के लिए इसी रास्ते से होकर कई विद्यार्थी प्रत्येक दिन गुजरते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन और विभाग पूरी तरह से सोई हुई है। सड़कों का हाल जर्जर हो जाने के कारण काफी दुर्घटना बढ़ गई है। इससे सड़क को देखने के बाद प्रशासन की उदासीनता देखने का अंदाजा लगाया जा सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द प्रशासन और विभाग इस पर ध्यान देकर सड़कों का मजबूती के साथ मरम्मती करवाए ताकि लोग आसानी से आवागमन कर सके। हम लोग तो इस रोड पे भीड़ को देख कर थे और मैंने पूरे शहर का सभी प्रकार की गाड़ियां अब इसी रोड से जाती हैं। इसमें ना प्रशासन ध्यान दे रहा है ना विभाग ध्यान देता है कभी इस रोड को बनाने के लिए। बड़ी बड़ी गाड़ियां हाईवा दिन को भी चलना और ऐसे ऐसे गड्ढे हो गए कि अभी तक 5-6 दो गाड़ी पलट चुकी है टोटो, उसके बाद कितना मोटरसाइकिल वाला गिर चुका है। आए दिन माताएं बहने आती है बाजार करने के लिए, लोग आते हैं। अभी बच्ची जा रही थी टोटो से, कहाँ जा रहे थे? घर जा रहे थे। हाँ, पढ़ करके टोटो पलट गया इस गड्ढा में। इसके बाद क्या हुआ? पलट गया, गिर गई वो टोटो से, लगा उसका पैर टूट गया। हम लोग सबको उसको यहाँ पर सेवा किए और अभी उसके गार्जियन को बुला करके भेजे। इसके पहले पिछले साल एक आदमी का मरा गिरा सो, उसका ब्रेन हेमरेज हो गया, लाखों लाख खर्च। रोड तो जर्जर होना, रोड में पानी का निकासी ना होना और गिरिडीह का मुख्य मार्ग होना और उसके बाद भी यहाँ के विभागीय लोगों का उदासीनता होना, यह शर्मनाक घटना है। नगर निगम की सड़क, नगर निगम के क्षेत्र में भी हम लोग आते हैं, लगता है कि हम लोग युद्ध क्षेत्र में चल रहे हैं। और कब क्या किसके साथ घटना हो जाता है, प्रशासन को इसमें कोई ध्यान नहीं। मनीषा कलेक्शंस महिलाओं व युवतियों के लिए बहुत ही खास बुटीक, जहां उनके पसंद के कपड़े से लेकर श्रृंगार के सारे आइटम्स मौजूद हैं। जी हां, पुराना पुल से पहले डॉक्टर बीबी सरकार निवास में स्थित मनीषा कलेक्शंस में शानदार बनारसी साड़ी, सिल्क, कोटा, तांत, शिफॉन, लिनन, कॉटन की सुंदर साड़ियों के अलावा लहंगा, फैंसी सूट, प्लाजो, ब्लाउज, नए डिजाइन की कुर्ती, पैंट, लेगिंग्स, वन पीस गाउन, नाइटी, दुपट्टा के साथ साथ मेकअप के सारे ब्रांडेड आइटम्स उपलब्ध हैं। फास्ट ट्रैक सनग्लासेस, ब्लू कट कंप्यूटर ग्लासेस, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का फुल रेंज, गुड लुकिंग बैग्स एंड पर्स के अलावा बहुत कुछ मिलता है। तो इस खास बुटीक में महिलाओं और युवतियां अवश्य पधारें और अपने पसंद की खरीदारी करें। पता नोट कर ले, मनीषा कलेक्शंस, पुराना पुल से पहले डॉक्टर बीबी सरकार निवास, बरगंडा, गिरिडीह। स्टेशन रोड में स्थित न्यू मुस्कान फैशन में त्योहारों के मौसम में एक्सक्लूसिव और फैंसी कपड़ों की भरमार है। यहाँ महिलाओं और युवतियों के लिए लहंगा, कफ्तान सूट, नायरा सूट, शरारा, गरारा, पटियाला सूट, प्लाजो, जीन्स, पैंट, गाउन, फ्रॉक, क्रॉप टॉप, फ्रॉक लहंगा वगैरह मिलता है। वहीं पुरुषों के लिए कॉटन पैंट, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, कुर्ता पजामा आदि मौजूद है। वहीं बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक पैंट शर्ट, जीन्स, टी शर्ट, फंकी जीन्स, माउस कट जीन्स, कुर्ता पजामा और बच्चियों के लिए बार्बी डॉल फ्रॉक, क्रॉप टॉप, फ्रॉक लहंगा, जीन्स पैंट, टॉप, स्कर्ट टॉप, जंप सूट, डंगरी सूट वगैरह उपलब्ध है। और साथ ही शादी विवाह के लिए यहाँ शेरवानी, कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, ब्लेजर और वास्कोट भी उपलब्ध है। तो अपने मनपसंद खरीदारी के लिए हमारे प्रतिष्ठान में अवश्य पधारें। हमारा पता न्यू मुस्कान फैशन, वारसिया मंजिल, स्टेशन रोड, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन्ड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखलाया जाता है।
साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडी, गिरिडीह। स्थित कंप्लीट एसी मॉल पी बाजार में त्योहारों के शुभ अवसर पर महिलाओं, युवतियों, पुरुषों व बच्चों के लिए कपड़ों की भरमार और बिल्कुल न्यू कलेक्शन उपलब्ध है। साथ में उपहारों की बौछार। जी हां, हर खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। यहां महिलाओं के लिए साड़ी, सलवार सूट, कुर्ती, स्कर्ट, जीन्स से लेकर नाइटी तक उपलब्ध है। पुरुषों के लिए शर्ट पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कुर्ता पजामा, ट्राउजर वगैरह। युवतियों के लिए हॉट पैंट सेट, फ्रॉक टॉप, स्कर्ट व जीन्स और बच्चों के लिए शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जीन्स, बाबा सूट उपलब्ध है। इसके अलावा यहां तरह तरह के गिफ्ट आइटम, टॉवल, स्कूल बैग, बच्चों के लिए गेम, सनग्लासेस, हैंडबैग, पर्स जैसे ढेर सारे आइटम उपलब्ध हैं। तो पूरे परिवार के साथ यहां करें जमकर खरीदारी और पाएं तरह तरह के उपहार। पी बाजार का पता साहेबराम सीताराम दुकान के बगल में, मेन रोड, गिरिडीह। नवरात्रि को लेकर बुधवार की शाम कोर्ट रोड स्थित रजनीकांत धोसा सेंटर में डांडिया नाइट नगाड़ा संघ ढोल बाजे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन संयुक्ता सहाय और डायमंड ब्यूटी पार्लर की संचालक लक्ष्मी श्रेय के द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सरिता अग्रवाल, राजेश अग्रवाल व कविता राजगढ़िया उपस्थित थी। कार्यक्रम में काफी संख्या में महिलाएं व युवतियां शामिल हुई। इस दौरान महिला व युवतियों ने जमकर डांडिया गीत पर डांडिया खेलते हुए डांस व गीत प्रस्तुत किया। बताया गया कि इस डांडिया कार्यक्रम में प्रवेश हेतु ₹300 का शुल्क निर्धारित था, जिसमें नॉनस्टॉप म्यूजिक, फ्री फूड, सेल्फी स्टेशन आदि की व्यवस्था की गई थी, जिसका महिलाओं व युवतियों ने जमकर लुत्फ उठाया। इस बाबत संयुक्ता सहाय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान 4 प्रकार का प्राइज रखा गया था, जिसमें बेस्ट परफॉर्मेंस पुरस्कार प्रीति भास्कर को गया। वहीं बेस्ट डांडिया के रूप में पूनम बनरवाल, फोटोजेनिक फेस के रूप में श्रेया गुप्ता को सम्मानित किया गया। वहीं डांडिया क्वीन को प्रमाण पत्र के साथ ट्रॉफी प्रदान किया गया। इस दौरान देर रात तक डांडिया गीत पर नाचते झूमते हुए लोगों ने खूब मौज मस्ती की। Thank you.
गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा महिला प्रकोष्ठ के द्वारा साहू समाज भवन हुटी बाजार में डांडिया नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष पाल गोविंद साहू मुख्य अतिथि तथा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उमा चरण प्रसाद साहू, संरक्षक प्रश्नंदन प्रसाद, महासचिव धर्म प्रकाश कोषाध्यक्ष दीपक कुमार गुप्ता, देवेंद्र गुप्ता ना साहू अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथि एवं सुचिता देवी, महिला संयोजिका इंदु कुमारी, विनीता साहा द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में माँ दुर्गा की आरती तथा दानवीर भामा शाह पर पुष्पांजलि दिया गया। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत गणेश वंदना के साथ हुई। कार्यक्रम में महिलाओं एवं बच्चियों ने काफी उत्साह के साथ डांडिया नृत्य का आनंद उठाया। जिलाध्यक्ष पाल गोविंद साहू ने कहा कि जिस प्रकार महिलाओं ने कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक किया, काबिले तारीफ है। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजन और प्रतिभागिता के लिए महिला प्रकोष्ठ का सराहना किया। महासचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि डांडिया नृत्य कार्यक्रम का आयोजन इस प्रकार महिला प्रकोष्ठ के द्वारा किया गया काफी अच्छा है। उन्होंने समाज तथा गिरिडीह के समस्त लोगों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी तथा लोगों से अपील किया कि दुर्गा पूजा पूरे उत्साह पूर्वक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए। गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा के महिला प्रकोष्ठ के द्वारा डांडिया नृत्य का कार्यक्रम रखा गया है। हम सभी जानते हैं कि अभी नवरात्र का महीना चल रहा है और नवरात्र में डांडिया का पूरे शहर क्या पूरे देश में धूम मचा हुआ है। तो गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा भी का महिला प्रकोष्ठ भी डांडिया नृत्य का कार्यक्रम रखा है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे समाज में भाईचारा का संदेश देना चाहते हैं, आपसी सौहार्द बना रहे और जो कमिंग हमारा फेस्टिवल है दुर्गा पूजा दशहरा में सभी लोग मिलजुल कर इस पर्व को बहुत अच्छे ढंग से शांतिपूर्वक मनाएं, यही संदेश के साथ ये आज का कार्यक्रम रखा गया। थाना क्षेत्र के बरगंडा स्थित नया पुल के पास बजरंग बली मंदिर के ऊपर गुरुवार को एक पीपल का पेड़ गिर गया। इस घटना की वजह से घंटे भर यहां गिरिडीह बेंगाबाद मुख्य सड़क पर जाम लगा रहा। जाम लगने की सूचना मिलते ही नगर थाना के एसआई किशन कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और जेसीबी से पेड़ को साइड करवाया और जाम को हटवाया। ये मेरा दुकान है, हम यहाँ पे बात खड़े थे, एक पिकअप वाहन और एक ठेले वाले, दो उसमें थे ठेले वाले के पास दो था, ठेले वाले बच गए एक हाथ की दूरी पे। अच्छा, मतलब वो भागे और ठेला के नीचे गाछ गिरा, मतलब ठेला में कुछ नहीं हुआ और आदमी को कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। और बाकी का फिर गया, हम लोग बहुत देर तक करीब एक घंटे तक जाम था, उसको छुड़ाया गया और सब कुछ हम लोग यहाँ पे रहते हुए सब क्लियर करते हुए। कितने देर पहले ये गिरा था? ये अभी से लेके आधा घंटा पहले। सीहोटी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहां जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न दो ऑपरेशन थिएटर, सीआर मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव आईसीयू, डिजिटल एक्सरे,
ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में सीहोडी गिरिडी। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हाँ, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम दुधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इम्पोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन फेवर जैसी कंपनियों के AC, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, LED TV, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, RO, टोस्टर, डोसा तवा, OTG, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, LNT, बजाज, ABB, उषा, फाइब्रोज, RR काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरियंट, क्रॉम्पटन, फिलिप्स, किलोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन, अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते, चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, VKC जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। गद्दे ही गद्दे, चादर ही चादर, पर्दे ही पर्दे, मैट्रेस ही मैट्रेस। जी हाँ, रिटेल में होलसेल वाला रेट। चंदोरी रोड में कनक रेस्ट हाउस के सामने स्थित संतोष स्टोर्स में आप बहुत ही किफायती रेट पर गद्दे, सैकड़ों प्रकार की चादर, पिलो, पेप्स व डनलप कंपनी के मैट्रेस, रेडीमेड पर्दा, पर्दे का कपड़ा, सोफा कवर, सोफा फैब्रिक, सोफा फोम, ग्रीन ग्रास कारपेट, मस्क्यूटो नेट और हर रेंज का कम्बल मिलता है। साथ ही यहाँ एक से बढ़कर एक रंगों और डिजाइनों में वॉलपेपर उपलब्ध है। सिर्फ आप कैटलॉग देखकर डिजाइन पसंद करें और अपने घर की खूबसूरती बढ़ाएं। इसके अलावा आप यहाँ ऑर्डर पर रुई वाले गद्दे भी बनवा सकते हैं। तो अच्छी क्वालिटी और होलसेल रेट के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता संतोष स्टोर्स, कनक रेस्ट हाउस के सामने, चंदोरी रोड, गिरिडीह। माहुरी वैश्य महिला समिति की ओर से गुरुवार को डांडिया महोत्सव का आयोजन पैठिया टांड में किया गया। यहाँ मदन तरवे के घर में यह आयोजन हुआ, जिसमें माहुरी समाज के कई महिलाओं ने भाग लिया और इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यक्ष रेणु सेठ, सचिव नीलम देवी, कोषाध्यक्ष सुलेखा भदानी, धर्म संचार मंत्री नमिता गुप्ता, पूनम देवी, उषा देवी, इंदुमती भदानी समेत समाज की तमाम महिलाएं लगी हुई थी। मदन तरवे जी के यहाँ डांडिया महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ सभी महिलाएं बहुत ही मस्ती में झूम रही हैं, बहुत ही एंजॉय कर रही हैं। सभी का मन रहता है
कि बचपना से भरा हुआ, सब कोई चाहती है झूमने के लिए। यहाँ डांडिया महोत्सव ऐसा कार्यक्रम है कि सबका मन प्रफुल्लित हो जाता है इस तरह का कार्यक्रम जब आयोजन होता है। तो इसलिए हम लोग को भी बहुत खुशी है कि इस तरह का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं और सभी लोग इंजॉय करते हैं। इधर गादी श्रीरामपुर में भी माहूरी मंडल महिला समिति की ओर से दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर महिलाओं के द्वारा डांडिया का कार्यक्रम किया गया, जिसमें महिला समिति सदस्यों ने उत्साह से भाग लिया। मौके पर अध्यक्ष शाली गुप्ता, सचिव ललिता गुप्ता, सिंपी गुप्ता, अनीता गुप्ता, जुगनू गुप्ता, शर्मिला गुप्ता, अंजू गुप्ता एवं सभी महिला सदस्य उपस्थित रही। नगर थाना क्षेत्र के धारियाडी की सुनीता देवी और मालती देवी को इसकी गोतनी के परिवार ने मारपीट कर घायल कर दिया। गुरुवार को दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। बताया गया कि सुनीता देवी के पति सुरेश साव उम्र 32 वर्ष और मालती देवी पति मनोज साव उम्र 40 वर्ष, इन्होंने दुर्गा पूजा पर व्रत रखा है। यह दोनों पूजा पाठ करने के बाद जब घर लौटी तब किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद इनके साथ मारपीट की गई। घटना को लेकर नगर थाने में भी आवेदन दिया गया है। कहाँ घर है? धरियाडी। क्या हुआ था? हुआ था ये सब, हम देखिए मेरा छोटी गोतनी मैंने चुगली कर रही थी, तो मेरा छोटी गोतनी सुन ली तो वो बोली ने कि कहाँ है आप, तो जा रही है चुगली कर रही है, तो वो हमको गरियाने लगी, तो वो है ना छप्पे से पूरा इससे गाली गलौज करने लगी। वो हो गया, माँ को अपना बेटा को फ़ोन कर दिया, बेटा उसका आया तो इसको मारपीट किया। अब छोटा बेटा उसका है कि मेरा घुस के घर में घुस के हमको मारा है, हम पूजा कर रहे थे हमको घुस के मारा, मेरा बेटी छुड़ाने लगी तो मेरा बेटी भी मारा। कौन लोग मारे? उसका छोटा बेटा जेकी, जीतू जेकी दोनों। सुनीता देवी कहाँ घर है? कौन थाना के पीछे धरियाडी। क्या हुआ था? गोतनी में थोड़ा बासा बासी हो रहा था, उसका बेटा आया हिजे धीरे लगा और मारने लगा, खूब पराठी पराठी ले ले आया बाजार से, दो पराठी लाया, दो को पराठी लेके गाड़ी से उतरा और एक किस्म चलाने लगा, एक बार भी नहीं बोला क्या हुआ, दोनों हिजा तिरी करने लगा। क्या कारण था? दोनों गोतनी में बासा बासी हो रहा था, उसका मम्मी में और मेरा में बासा हो रहा था। अच्छा, मारा कौन है? मारा जीतू साहब, जेकी साहब, कौशलिया देवी और राम दुकार साहब। थाना गए थे? हाँ थाना गए थे, आवेदन मांगा, आवेदन दे के आए।
पूजा के अवसर पर श्री संजीव टेक्सटाइल लेकर आया है आपके पसंद का बेहद खास कलेक्शन। जी हाँ, महिलाओं के लिए एक से बढ़कर एक फैंसी साड़ियाँ व आकर्षक लहंगा, पुरुषों के लिए शर्ट पैंट कोट पैंट के ब्रांडेड कपड़ों का लेटेस्ट कलेक्शन, साथ ही शेरवानी कुर्ता पैजामा जीन्स शर्ट टी शर्ट ट्राउजर वगैरह उपलब्ध है। युवतियों के लिए फैशनेबल शरारा गरारा नाइटी गाउन टॉप स्कर्ट जीन्स का विशाल संग्रह है। इसके अलावा बच्चों के लिए जीन्स शर्ट टी शर्ट बाबा सूट मिलता है, साथ ही साफा जूती ब्रांडेड टाई वगैरह उपलब्ध है। तो आप सब परिवार पधारे और एक ही छत के नीचे करे जमकर खरीदारी। पता याद रखें, श्री संजीव टेक्सटाइल बड़ा चौक गिरिडीह। अगर आपको किराए पर कमर्शियल स्पेस चाहिए तो ICR रोड में बैंक ऑफिस शोरूम कोचिंग इंस्टीट्यूट या अन्य कमर्शियल उपयोग के लिए बिल्कुल नया और सुंदर बना हुआ शानदार स्पेस उपलब्ध है। ICR रोड में श्याम मंदिर के ठीक बगल में श्री श्याम कॉम्प्लेक्स नामक इस नई बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर किराए के लिए उपलब्ध है। अगर आप किराए पर लेने के इच्छुक हैं तो स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कृपया फोन करें। हमारा पता श्री श्याम कॉम्प्लेक्स ICR रोड श्याम मंदिर के बगल में गिरिडीह। दुनिया में मोबाइल की अग्रणी कंपनी वीवो का एक्सक्लूसिव स्टोर स्टेशन रोड की शाह मार्केट के निकट स्थित है। यहाँ वीवो का लेटेस्ट मॉडल से लेकर हर प्रकार के वीवो का मोबाइल उपलब्ध है, वह भी मार्केट से 5-10% सस्ते दर पर। साथ ही आप यहाँ वीवो का ओरिजिनल एसेसरीज ले सकते हैं। यहाँ आप लाइव डेमो देखकर पूरी तरह जांच परख कर मोबाइल खरीद सकते हैं। यहाँ बजाज फाइनेंस TVS फाइनेंस व होम क्रेडिट फाइनेंस के द्वारा 0% इंटरेस्ट पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। आप स्वैप मशीन द्वारा यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। तो वीवो का शानदार मोबाइल खरीदने के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता वीवो एक्सक्लूसिव स्टोर शाह मार्केट के निकट स्टेशन रोड गिरिडीह। त्योहारों के मौसम में उपहारों की बौछार। जी हाँ, बड़ा चौक स्थित वोल्टाज द ब्रांड शॉप में प्रत्येक 10,000 की खरीदारी पर आप पाएंगे एक स्क्रैच कार्ड, जिसमें आप जीत सकते हैं 10,000 तक का निश्चित उपहार। साथ ही उसी स्क्रैच कार्ड से लकी ड्रॉ खेला जाएगा, जिसमें प्रथम भाग्यशाली विजेता को मिलेगा 1.5 टन का AC, द्वितीय विजेता को वॉशिंग मशीन और तृतीय विजेता को कूलर दिया जाएगा। यहाँ बिना डाउन पेमेंट के 0% ब्याज पर फाइनेंस की सुविधा है। डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर पेमेंट करने पर वोल्टास आपको देगा 15% कैश बैक। जल्दी कीजिए, ये सुनहरा मौका 17 सितंबर से 7 नवंबर 2022 तक। विश्व के उच्च स्तरीय तकनीक से निर्मित वोल्टास द ब्रांड शॉप के उत्कृष्ट उत्पाद हैं AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर, एयर कूलर, माइक्रोवेव, वाटर कूलर, वाटर डिस्पेंसर, कमर्शियल रेफ्रिजरेटर। तो जल्दी करें, मौका हाथ से छूट न जाए। पता नोट कर ले, श्री सम्मति इंटरप्राइजेज वोल्टास द ब्रांड शॉप बुलेट शोरूम के ऊपर बड़ा चौक गिरिडीह। भाकपा माले के विधानसभा प्रभारी राजवीर सिन्हा गुरुवार को मृतक डेकोरेशन मजदूर रऊफ के घर परादी पहुंचे। बताया गया कि रऊफ की हत्या आपसी रंजिश के कारण एक दिन पहले कर दी गई थी। घर में मृतक का शव पड़ा हुआ था। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। इस दौरान ग्रामीणों ने हत्यारों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। मौके पर परादी के ग्रामीणों ने श्री सिन्हा से कहा कि इस एरिया में क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है, पुलिस की पेट्रोलिंग भी ना के बराबर है। जिसके बाद श्री सिन्हा ने प्रशासन से इस ओर ध्यान देने और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही इन्होंने मृतक के आश्रितों को कैसे सहायता उपलब्ध करवाई जाए, इस पर भी चर्चा की। बेंगाबाद थाना क्षेत्र की खुटरीबाद के रहने वाले सहदेव महतो सड़क हादसे में बुरी तरह से घायल हो गए। गुरुवार को इसे 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए धनवाद रेफर कर दिया गया। सहदेव महतो मोटरसाइकिल लेकर घर से किसी काम से बेंगाबाद की ओर जा रहे थे। इसी बीच मुंद्राडी के पास कुछ बच्चे सड़क पर आ गए, उन्हीं को बचाने के चक्कर में यह गिरकर घायल हो गए। तुरंत ही इन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से इन्हें धनवाद रेफर कर दिया गया।
यूपी के तर्ज पर गिरिडीह में भी हत्या के आरोपी के ठिकाने पर चला बुलडोजर। परात डी में मोहम्मद रऊफ की हत्या के आरोपी की दुकान को किया गया ध्वस्त। एसडीपीओ के नेतृत्व में की गई कार्यवाही। दुर्गा पूजा पर व्यवस्था और विधि व्यवस्था का जायजा लेने के लिए निकले डीसीएसपी। विभिन्न पूजा पंडालों का किया निरीक्षण। संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। विवाह भवन में जोहार परियोजना के तहत की गई वार्षिक आम सभा। उपायुक्त समेत अन्य अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने किया उद्घाटन। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर हुई गंभीर चर्चा। सीहोडी के आम बगान के पास टोटो पलटने से छात्रा हुई घायल। जर्जर सड़क पर टोटो हुआ दुर्घटनाग्रस्त। स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण कराने की लगाई गुहार। और रजनीकांत धोसा सेंटर में आयोजित हुआ शानदार डांडिया नाइट। उत्साह से भरा रहा माहौल। वहीं कई अन्य स्थानों पर भी नवरात्र को लेकर डांडिया कार्यक्रम हुए आयोजित। महिलाओं और युवतियों ने जमकर उठाया कार्यक्रम का लुत्फ। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे सिटी न्यूज़।